श्रद्धेय मंच, मेरे सामने उपस्थित देश प्रेमियों, वैचारिक योद्धाओं, मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अर्बन नक्सलवाद, बौद्धिक आतंकवाद। ये है क्या? मैं समाज को कहना चाहूँगी कि मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है, सब है तमाशबीन, लगाए हैं दूरबीन, सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है। जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे, वह आईना माहौल को दरकार नहीं है। आप सब यहाँ श्रद्धेय मंच पर सभी उपस्थित हुए हैं समाज को उस अर्बन नक्सलवादी का साफ सही शक्ल दिखाने के लिए। ये लगता कैसे है, ये करता क्या है, ये सिखाता क्या है, इसका इकोसिस्टम क्या है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, इसकी विचारधारा क्या है। अब अर्बन नक्सलिज्म, शहरी नक्सलवाद, बौद्धिक आतंकवाद, ये है क्या? बौद्धिक आतंकवाद ये हम सब ने सहा है। जैसा मैं पहले भी कहती रही हूँ कि जब एक बच्चा विद्यालय में पहली कक्षा में जाता है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे अभिजीत जी ने कहा, वो हमें ग से गाय नहीं पढ़ाती, वो हमें ग से गधा पढ़ाती है। बच्चा जब फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में जाता है तो उसको सिखाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु, लाल लाजपत राय, देवर मिलिटेंट्स, देवर एक्सट्रीमिस्ट, देवर टेररिस्ट। ये पढ़ता हुआ जब वो नौवीं दसवीं ग्यारहवीं में आता है तो पढ़ाया जाता है आर्य, आर्य तो बाहर से आए, आर्य बाहर से आए, मुगल बाहर से आए, अंग्रेज बाहर से आए, ये देश तो किसी एक का है ही नहीं, ये तो सराय है, लोग आते गए, कारवां बनता गया। वो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसको मार्क्स लेने के बाद यहाँ एडमिशन मिलता है, तो यहाँ हिस्ट्री ऑनर्स के बीए के कोर्स में पढ़ाया जाता है। ए के रामानुजन का आर्टिकल किस किताब में, मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी बेटी उपेंद्र सिंह ने जिस किताब को कंपाइल किया, उसने पढ़ाया जाता है ए के रामानुजन का आर्टिकल 300 रामायणास, जिसमें कहते हैं रावण की छींक से सीता पैदा हुई, रावण सीता का बाप था, रावण ने वो वर्जित फल खाया जिससे उसको गर्भ धारण हुआ, आठवें महीने में उसको जोर से छींक आई और उसके नाक से सीता मैया पैदा हुई। बीए ऑनर्स हिस्ट्री का दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचता है वेंडी डोनिगर की किताब हिंदूज एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, रेफर्ड बुक होती है। क्या पढ़ाया जाता है? शिकागो की प्रोफेसर है, पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ाया जाता है मंगल पांडे वॉज अ ड्रग एडिक्ट, फर्स्ट हीरो और फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं था, वो चर्सी था, वो गांजा पिए रहता था। पढ़ाया जाता है रानी लक्ष्मीबाई वॉज लॉयल टू द ब्रिटिश। पढ़ाया जाता है शिवलिंग का ऐसा आकार का इतना भद्दा वर्णन कि मैं बोल भी नहीं सकती, और विवेकानंद जी और गांधी जी से पूछा गया आप रात के भोजन में क्या खाएंगे, उन्होंने कहा गौ मांस परोसा जाए। ये पढ़ाया जाता है। इन सब आपत्तिजनक अंशों के और किताबों के खिलाफ केसेस फाइल किए दीनानाथ बत्रा जी और हमने मिलकर केसेस फाइल किए, फाइट किए और सारे केसेस जीते। जैसे मैंने पहले कहा, यहां तो तालियां बजती हैं, वहां क्या हुआ होगा? कहा गया हिंदू फ्रिंज एट इट्स बेस्ट, हिंदू फ्रिंज स्ट्राइक्स अगेन, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंडिया हैज बिकम सो इनटॉलरेंट। हमने क्या किया था? हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज किया था। हमने क्या किया था? हमने केसेस को फाइल किया था, फाइट किया था और जीता था। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हीं के लिए है जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे?
और जो लोग भारत की बात करते हैं, भारत के महापुरुषों की बात करते हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या? तो ध्यान आया, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। जब हम लोगों ने ये केसेस जीते, उसके बाद शाम की डिबेट्स पर हम देखते प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं, बीबीसी से लेकर फ्रेंच न्यूज़पेपर्स तक, यूएसए से लेकर जर्मन न्यूज़पेपर्स तक, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में रात के टीवी डिबेट्स पर बात हो रही थी एके रामानुजन कितना महान है। वो ये नहीं कह रहे थे कि एके रामानुजन ने लिखा क्या और पढ़ाया क्या जा रहा था, फैक्ट्स पे तो तथ्यों पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये कह रहे थे कि इतना महान है, ये तो इंटॉलरेंस की ब्रिगेड सामने आ गई है। ये कौन सा इकोसिस्टम था जिससे मेरा पहला इनकाउंटर हुआ? मैं इन लॉयर्स को नहीं जानती थी, मैं इन जर्नलिस्ट को नहीं जानती थी, मैं ऐसे प्रोफेसर्स को नहीं जानती थी जो इस बात की सपोर्ट करेंगे कि रावण की छींक से सीता पैदा हुई। ये कौन थे, इनको पढ़ाया किसने, इनको पाला पोसा नर्चर किसने किया, ये प्रश्न मेरे दिमाग में कौन था। मुझे ध्यान आया 1967 में जब कांग्रेस पार्टी के दो फाड़ हुए थे, कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई थी, तब लेफ्टिस्ट ने इनको सपोर्ट किया था। लेफ्टिस्ट ने उस समय पैसा जहां मिले ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं मांगा। लेफ्टिस्ट ने मांगा हमें यूनिवर्सिटीज दीजिए, हमें अपने जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स दीजिए, हमें रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स दीजिए। उन पर कब्जा कर लिया। यूनिवर्सिटी में टीचर्स कौन अपॉइंट करेगा, तो ये अपॉइंट करेंगे। स्टूडेंट्स की एडमिशन कैसे होगी, तो इनके हाथ में होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च, IIMC, हर जगह पर इनका कब्जा हो गया। और कब्जा करने के बाद इन्होंने क्या किया, मैं नहीं कहूँगी इन्होंने पैसा बनाया, इतना इनको करप्शन फ्री का तमगा मैं इस क्षेत्र में दे सकती हूँ। इन्होंने पैसे से करप्ट नहीं की सोसाइटी, इन्होंने इंटेलेक्चुअली करप्ट की सोसाइटी। इन्होंने क्या किया, मैंने पढ़ते समय रिसर्च करते हुए देखा कि CPIM माओइस्ट का एक डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है, आपको भी पढ़ना चाहिए। विवेक जी ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है। वो कहता है स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ माओइस्ट, हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन लाने की आपकी स्ट्रेटजी क्या है। 2004 का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कहता है हमने गाँव में बहुत काम कर लिया, हमने जंगलों में भी गुरिल्ला वॉरफेयर कर लिया, शहरों में जाने की आवश्यकता है। गो टू अर्बन सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, स्लम्स में जाइए, ट्रेड यूनियंस में इन्फिल्ट्रेट कीजिए, फैक्ट्री वर्कर्स में इन्फिल्ट्रेट कीजिए, वर्किंग क्लास के पास जाओ, छोटे 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 उनके मुद्दे उठाओ, बच्चों के मुद्दे उठाओ, यूनिवर्सिटीज में फी हाइक का, भोजन का, महिलाओं के मुद्दे उठाओ, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, लो सैलरीज का, डिस्क्रिमिनेशन का, स्लम्स में सफाई का, पानी का, बिजली का, मुद्दे उठाते जाओ, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, मुद्दे उठाते जाओ और अल्टीमेटली इनको अगेंस्ट करो इस सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, कि ये सिस्टम तो एक्सप्लॉयटेटिव है। आपके टारगेट ग्रुप्स क्या होंगे, ये डॉक्यूमेंट कहता है आपके टारगेट ग्रुप्स इसमें होंगे माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स, दलित्स, महिलाएं। आपके फ्रंट्स कौन कौन से होंगे, आपके फ्रंट्स होंगे लॉयर्स का फ्रंट, ट्रेड यूनियंस का फ्रंट, दलित्स का फ्रंट, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस का फ्रंट होगा। और आपको करना क्या है, ये कहते हैं कि 1947 में आज़ादी तो मिली ही नहीं है, वहाँ पर अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर हुई बुर्जुआ के पास, यहाँ के जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी हैं इनके पास, इनसे लोगों के पास पावर आनी चाहिए, इसलिए एंगेज इन अ पीपल्स वॉर, ओवर थ्रो द गवर्नमेंट, ओवर थ्रो द सिस्टम। और जो भी सिस्टम के अत्याचार को बढ़ावा देते हैं, पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, बैंक, ब्यूरोक्रेसी, इन सबको अटैक करना है, वर्बल अटैक करना है, फिजिकल अटैक करना है, इनके जो कैरेक्टर है उसको डिमोलिश कर देना है। तभी जब मैं सुनती हूँ कि स्टोन पेल्टर्स आर इनोसेंट चिल्ड्रन इन कश्मीर, और सुनती हूँ आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर रेपिस्ट एंड सेक्शुअल असोल्टर्स, तो ध्यान आता है थ्योरी तो कहीं और है, उससे प्रैक्टिकल
इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो जब ये बात करते हैं फी हाइक की, जब एक बात करते हैं महिला सुरक्षा की, जब ये बात करते हैं छोटे बच्चों की राइट्स की, इनका अल्टीमेट एम क्या है? सब सिस्टम्स को डिमोलिश करो, ओवरथ्रो कर दो इस पूरे सरकार को और सिस्टम को, और अपना पीपल्स मूवमेंट करके लोगों का राज इस्टैब्लिश करो, जिस प्रकार से इन्होंने कम्युनिस्ट रशिया में किया था, जिस प्रकार से इन्होंने चाइना में किया था। अब मुझे ध्यान आया कि ये जो इनकी इतनी खतरनाक थियरी है, इसको ये प्रैक्टिस में कैसे लगाते होंगे, क्योंकि इनकी भुक्त भोगी थी, इनको समझना ज़रूरी था कि इकोसिस्टम काम कैसे करता है। मुझे ध्यान आया कि जो 9 फरवरी को घटना हुई थी भारत तेरे टुकड़े होंगे JNU में, उसका पोस्टर क्या कहता था, अगर आप लोगों को ध्यान हो उसके पोस्टर में 3 बातें थी। पहला, उसका पोस्टर कहता था कल्चरल इवनिंग एंड प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट 1 जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मारा किसको, बेचारे आतंकवादी को मार दिया। दूसरा था इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर बाय इंडियन स्टेट, यानी कश्मीर को तो जाना ही है, कहाँ इस पर अवैध कब्जा करके बैठी है इंडियन स्टेट। तीसरा, अगेंस्ट ब्रह्मेनिकल टिरनी, यानी कास्ट के आधार पर तोड़ने की कोशिश, ये जो इनकी थियोरी आती है, फिर इसी से नारे निकलते हैं भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। ये केवल नारे नहीं हैं, दे मीन इट, ये मानते हैं कि ऐसा होकर रहेगा। मुझे ध्यान आया कि इनके प्रोफेसर्स पढ़ाते नहीं हैं इनको, ये ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं। तो जब कन्हैया कुमार अरेस्ट हुआ था, उसकी अरेस्ट के बाद टीचर्स ने कहा हम स्ट्राइक पर जाएंगे, पर मैं JNU की वकील हूँ इसलिए जानती हूँ वहाँ मैक्सिमम टीचर्स राष्ट्रवादी हैं, मैक्सिमम टीचर्स ने कहा हम स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे, तो ये जो बेचारे थोड़े बहुत वहाँ टीचर्स थे इनको भी क्लासेस लेनी पड़ी। इन्होंने क्या क्लासेस ली, इन्होंने वहाँ एडमिन ब्लॉक पर क्लासेस ली राष्ट्रवाद की पाठशाला, और 3 लेक्चर सिर्फ बताऊंगी। पहला लेक्चर उसमें हुआ, एक प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने कहा यू नो आइडिया ऑफ नेशन, राष्ट्र की अवधारणा भारत में तो कभी थी ही नहीं, ये राष्ट्र की अवधारणा तो ब्रिटिशर्स लेकर आए, पहले यूरोप में आई 300 साल पहले और 200 साल पहले ये भारत में आई है, ये तो ब्रिटिशर्स लेकर आए हैं, भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं। दूसरे प्रोफेसर आए, वो कहते हैं व्हाट शुड बी द सिंबल ऑफ भारत, ये भारत माता होनी चाहिए या एक चक्र होना चाहिए, मुझे लगता है चक्र होना चाहिए, चक्र के स्पोक्स ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, वो ज़्यादा इक्वालिटी में विश्वास करते हैं। तीसरे प्रोफेसर साहब और भी महान थे, वो आए, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से USSR ने 15 देशों को ज़बरदस्ती अनेक्स करके कब्जा करके रखा हुआ था, भारत ने भी ऐसे 1947 में कई सारे राज्यों को ज़बरदस्ती राष्ट्र के रूप में ले आए, मणिपुर, केरला, कश्मीर, नागालैंड, इन सबको, मेघालय, इनको राष्ट्र के रूप में बांध दिया, जैसे USSR के टुकड़े हो गए हैं भारत के भी टुकड़े होने चाहिए। मुझे ध्यान आया कि इन बच्चों के मन में ये जो राष्ट्र विरोधी जहर, ये आया तो आया यहाँ से। फिर एक साल के बाद आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पड़ोस में, यहाँ रामजस कॉलेज में जब नारे लगे, कुछ तो नए नारे थे, नारे लगे कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, बस्तर मांगे आज़ादी। अब मुझे हैरानी हुई, हैरानी इसलिए हुई कि मुझे ध्यान आया कि रामजस कॉलेज में 70% बच्चों को नहीं पता होगा बस्तर कहाँ है, तो जिनको यही नहीं पता बस्तर कहाँ है, वो बस्तर की आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, यानी बस्तर भी है उसकी आज़ादी भी चाहिए, ये कौन स्टूडेंट्स हैं, कैसी बात कर रहे हैं। मुझे उसके एक हफ्ते के बाद एक कॉल आई कि मैडम आपको सेमिनार के लिए आना है, मैंने कहा कहाँ आना है, वो कहते हैं बस्तर आना है, तो मैंने कहा बस्तर तो नहीं आऊँगी, बस्तर तो भारत से आज़ादी की डिमांड कर रहा है, वहाँ तो नक्सली हैं, मैं तो बस्तर नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि मैडम बस्तर भारत से आज़ादी की डिमांड नहीं कर रहा, बस्तर तो माओवाद से, नक्सलवाद से और मार्क्सवाद से आज़ादी की डिमांड कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा, कहते हैं मैडम आप दिल्ली में रहते हैं, असली नक्सली जो है वो बस्तर में नहीं है, असली नक्सली तो आपके दिल्ली में बैठा हुआ है। मैं उसकी बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई, तो मेरा मन बना, परिवार ने कहा बस्तर नहीं जाना, पर हामी कर चुकी थी इसलिए बस्तर की ओर रवाना हुई। बस्तर में जो सड़क है रायपुर से बस्तर तक की, वो लगभग 6.5 घंटे का रास्ता है। रचना जी मेरे साथ थी, जो यहाँ आज दुर्ग से आकर बैठी हुई हैं, वो मेरे साथ थी। और हम लोग 6.5 घंटे का रास्ता लेकर जब बस्तर से जगदलपुर पहुँचे, जो वहाँ का हेड क्वार्टर्स है, वहाँ ट्राइबल्स अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए थे स्वागत करने के लिए। मैं बहुत प्रसन्न हुई कि शायद मेरे कारण से आए हैं वो, तो उन्होंने कहा नहीं आपके कारण से नहीं आए हैं, हम तो इसलिए खुश हैं कि पहली बार दिल्ली से कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है जो नक्सलियों के समर्थन में नहीं आ रहा और हमारे समर्थन में आ रहा है। वक्ता बोलने शुरू हुए, पहला वक्ता आया आदिवासी भाई था, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में था, वहाँ लॉयर्स ने प्रोग्राम रखा था। वो कहता है मैडम जी आपके दिल्ली से एक सन्यासी आते हैं, आर्य समाज से हैं, आर्य समाज उनको बाहर कर चुका है बागीश, आर्य समाज उनको बाहर कर चुका है, वो गवर्नमेंट और नक्सलियों के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, जंतर मंतर पर भी उनकी पिटाई हो रखी है, तो ऐसे एक यहाँ पर स्वामी जी आते हैं और नक्सलियों के समर्थन में आते हैं, हमारा विरोध करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर, कहते इस बार वो फिर आए, हमने कहा इनको बस्तर में घुसने नहीं देंगे, हमने विरोध किया और उनकी पगड़ी गिर गई। कहते पगड़ी की धमक यहाँ नहीं थी जितनी आपकी दिल्ली में थी। कहते दिल्ली में हाहाकार मच गया कि हुआ तो हुआ कैसे, स्वामी जी की पगड़ी गिरी तो गिरी कैसे। कहते वहां सेमिनार शुरू हो गए, एट्रोसिटी ऑन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, सेमिनार्स हो गए, मीडिया में आना शुरू हो गया, लॉयर्स खड़े हो गए, एनजीओस खड़ी हो गई, इतना ज़्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर आया कि रातों रात वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा वक्ता आया, वो कहते मैडम जी आपके दिल्ली से ही एक हमारे यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं। अच्छा, नाम बताया पर नाम लेना नहीं चाहूँगी, तो उन्होंने कहा, कहते हैं वो यहाँ नक्सलियों का समर्थन करती हैं, हमारा विरोध करती हैं, अपने कुत्ते का नाम उन्होंने सोमारी रखा, सोमारी यहाँ पर देवी तुल्य नाम है, हम यहाँ लड़कियों का नाम रखते हैं, देवी और श्रद्धा का नाम है सोमारी। ट्राइबल्स गए कि ये नाम बदल दो, ये नाम मत रखो, कुछ भी रख दो पर हमारी श्रद्धा का नाम एक कुत्ते के नाम पे मत रखो। उन्होंने अपमानित किया ट्राइबल्स को, झगड़ा हुआ, कुछ ट्राइबल्स ने उनके घर पर पत्थर फेंक दिए। 100 देशों से हिंदुस्तान की सरकार को चिट्ठियां आई कि क्या हो रहा है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ, लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन चले गए, यहाँ पे फिर सेमिनार्स होने शुरू हो गए, इतना प्रेशर सरकार के ऊपर। विद इन अ वीक 32 सिक्योरिटी मैन उस सामाजिक कार्यकर्ता को बस्तर में देने पड़े। कहते हैं आज वो खुलेआम घूमते हैं, उस कुत्ते के साथ घूमते हैं, उसका नाम हमारी देवी के नाम पर है, 32 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमती हैं, नक्सलियों का समर्थन करती हैं। वो ये कह रहे थे और मैं सोच रही थी कि हम दिल्ली में क्या क्या करते हैं। तीसरा वक्ता आया, तीसरे वक्ते ने कहा कि मैडम आपकी DU की प्रोफेसर है, एक JNU की प्रोफेसर है, यहाँ नक्सलियों को भड़काया, ट्राइबल्स को कहा नक्सलवाद का समर्थन करो, सरकार का विरोध नहीं करो वरना मारे जाओगे, श्यामनाथ बघेल की हत्या हो गई, उसकी वाइफ ने उस DU को प्रोफेसर का नाम दिया FIR में। जैसे ही FIR लॉन्च हुई यहाँ तो बवाल हो गया, ऐसा बवाल कि जितने भी आपके लॉयर्स हादिया में खड़े होते हैं, रोहिंग्यास के लिए खड़े होते हैं और राम मंदिर के विरोध में खड़े होते हैं, वो सब लाइन लगाकर खड़े हो गए, FIR की इन्वेस्टिगेशन पर स्टे ले लिया गया। ऐसा है आपका दिल्ली, मैं डर कर सोच रही थी कि दिल्ली वापस कैसे जाऊंगी, ये तो बहुत ही डरावनी जगह। आखिर में टांगिया ग्रुप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मेरे पास आया, उन्होंने एक ज्ञापन दिया, मुझे अभी भी उनका चेहरा याद है, पीछे बोर्ड्स एंड एरोज थे, यहाँ पर अपने पारंपरिक वेशभूषा में थे। उन्होंने एक ज्ञापन दिया कि मैडम जी हमें अपने गांव में CRPF का कैंप चाहिए,
मैंने उनसे कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के तो आप लोग विरोध में खड़े होते हो, सीआरपीएफ का तो विरोध करते हो। कहते मैडम जी हमने विरोध करते, कहते जो नक्सली है ये सड़क नहीं बनने देता, ये स्कूल नहीं बनने देता, ये कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होने देते हैं, कुछ होता है तो उसको बॉम्ब से ये उड़ा देते हैं, ये यहाँ विकास नहीं चाहते। हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वो इन नक्सलियों के स्कूल हैं जहाँ मार्क्स और लेनिन पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो 300 स्कूल बनाए सरकार ने उसको इन लोगों ने उड़ा दिया। हम रातों रात पहरा देते हैं अपने गाँव में कि नक्सलियों को गाँव में अब घुसने नहीं देंगे, हमें सीआरपीएफ का कैंप चाहिए। मैं ये बातें सुन रही थी, सोच रही थी और ये ध्यान कर रही थी कि शायद मैं अब तक दिल्ली के चश्मे से नक्सलवाद को देखती रही हूँ। शायद मुझे ध्यान ही नहीं आया कि वो जो ट्राइबल है वहाँ बैठा हुआ बस्तर में, वो नक्सली से भी लड़ रहा है और जो दिल्ली के अर्बन नक्सली हैं इस पूरे इकोसिस्टम से भी लड़ रहा है। आखिर में ध्यान आया कि संबंध क्या है दोनों का, जो बंदूक पकड़े हुए जंगल में है और जो पेन से यहाँ जो प्रोफेसर लिख रहा होता है, इनका संबंध क्या है। दो संबंध हैं, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद लाल फलाम, ये पहला संबंध विचारधारा का। दूसरा संबंध है पैसा। बस्तर में वहाँ पर माइनिंग एंड मिनरल कंपनीज हैं, वहाँ सड़क के ठेके हैं, वहाँ बिजली कंपनीज हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हैं, तेंदू पत्ते के व्यापारी हैं, इन सबसे प्रोटेक्शन मनी उगाही करता है वहाँ का नक्सली। 1100 करोड़ का एक एस्टीमेट सामने आया है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, 1100 करोड़ रुपए का एस्टीमेट आया है पर ईयर। इतना पैसा वहाँ से प्रोटेक्शन मनी लिया जाता है कि तुम पर हमला नहीं करेंगे, तुम अपना काम करते जाओ। ये पैसा जाता है यहाँ के अर्बन नक्सली को पालने में, पोसने में, बड़ा करने में, तभी ये खड़े हो जाते हैं जैसे ही वहाँ एक पत्थर पड़ता है या किसी की पगड़ी गिरती है। ये लोग कश्मीर के पंडितों के लिए कभी खड़े नहीं हो, ये एक गरीब ट्राइबल के लिए कभी खड़े नहीं होते। तो ध्यान आया जब दिल्ली वापस आ रही थी, जो मीडिया चैनल्स हैं दिन रात 24/7 ये देश को गाली देते हैं, नक्सलियों का समर्थन करते हैं और पैनल डिस्कशन में इनके जो नक्सलवादी हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करके रोज़ बैठे हुए होते हैं। कितनी गाली पड़ती है इनको ट्विटर पर विवेक जी, पर तब भी ये चुप नहीं होते, ठीक नहीं होते। कारण लाल सलाम और 1100 करोड़ रुपये का जो प्रोटेक्शन मनी है वो। लॉयर्स हैं जो अफजल गुरु से याकूब मेमन तक, ईश्वर जहाँ से सोहराबुद्दीन तक, कन्हैया कुमार से उमर खालिद तक, सब खड़े होते हैं, बिना फीस के खड़े होते हैं। कैसे खड़े हो जाते हैं, प्रोटेक्शन मनी और लाल सलाम। एनजीओज हैं तो जो पूरा इकोसिस्टम है इनके लिए, जो कश्मीर का पत्थरबाज है वो इनोसेंट स्टोन बेल्टर हो गया और आर्मी वाला रेपिस्ट हो गया। अखलाक जब मरता है, किसी को मरना नहीं चाहिए, सभ्य समाज में हत्या की, भीड़ तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जगह नहीं है, लेकिन अखलाक मरता है तो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब कार्तिक वहीं जिहादी भीड़ द्वारा बंगाल में मारा जाता है तो ये उफ भी नहीं करते हैं। कथुआ में जब बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है तो जो पूरा नरेटिव बनता है वो एंटी हिंदू, एंटी मंदिर, एंटी हिंदुस्तान बनता है। जब लिंचिंग की बात आती है तो इनको कश्मीर में या वेस्ट बंगाल में कहीं कुछ दिखता नहीं। सिखों के विरोध में दंगे जो हुए वो नहीं दिखते, वो लिंचिंग नहीं है। लिंचिंग दिखती है जब कसाई एक गाय को ले जा रहा होता है, कुछ लोग उसको रोक लेते हैं, वो लिंचिंग लगती है। शुक्र है कृष्ण भगवान हजारों साल पहले ही अवतरित हो गए, आज शायद वो अपना नाम गोपाल भी नहीं रख पाते, वो गौ माता को चढ़ा भी नहीं पाते, उनको काउ टेररिस्ट कह दिया जाता है। ये हाल हो गया है। हम सभी कहते हैं रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करो, वायलेंस मत करो, पर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन भी तो करो और लिंचिंग लिंचिंग में भेद मत करो। आखिर में कहूंगी जेएनयू की लॉयर हूं, इन सबको रोज झेलती हूं। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, अभिजीत जी ने बताया, सुनील जी, विवेक जी, भाभी जी बताएंगे। इनको देखती हूँ ये करते क्या है, ये एक नहीं है, वो तो ना अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, वो इनकी विशेषता भी है, अनेक नहीं है, ये एक है। जेएनयू में हमने जनवरी 2018 में एक रूल पास किया, अटेंडेंस इज कंपल्सरी,
75% अटेंडेंस सबके लिए कंपलसरी होगा, सब आओ और अटेंडेंस मार्क किया करो। JNU स्टूडेंट्स यूनियन स्ट्राइक पर गया, JNU टीचर्स एसोसिएशन ने उनको सपोर्ट किया, रातों रात पेटिशंस बन गई और कोर्ट में नेक्स्ट डे फाइल हो गई। वही लॉयर्स आप समझते हैं ना, हादिया, रोहिंग्या, वो सब लॉयर्स लाइन बनाकर खड़े हो गए। क्या कह रहे थे? कंपल्सरी अटेंडेंस, माय गॉड, ये तो फासीवाद है। तो मैंने जब कोर्ट में कहा JNU की ओर से, मैंने कहा पर मंथ हॉस्टल का जो किराया देता है स्टूडेंट वो 10 रुपये है पर मंथ, एक दिन का ब्रेकफास्ट लंच डिनर 80 रुपया है, इनको अप टू 28,000 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप UGC से दी जाती है। UGC कहती है पढ़ लो भैया, ये कहते हैं तुम तो फारसी हो गए, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या? हमने कहा नहीं पढ़ोगे तो स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। ये कोर्ट में आ जाते हैं और जब कोर्ट में आर्गुमेंट होता है 1 बजे तक, 1:15 बजे लंच होता है, लंच में जब हम लोग जाते हैं लंच करने चेंबर में, मोबाइल निकालते हैं उस पर न्यूज सर्व करते हैं, सबसे ऊपर इनके जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं आप सब जानते हैं कौन से हैं, उसमें 3,000 वर्ड्स का आर्टिकल होता है कि उनके पिटिशनर्स ने के एडवोकेट ने क्या कहा और हम बेचारे कुछ नहीं कह पाए। वही जो आर्टिकल्स है रात को इनकी इंटरनेट की जो वो है ब्रिगेड है वो ट्वीट करती है, रीट्वीट करती है, वो नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बनते हैं और अगले दिन अवार्ड वापसी शुरू हो जाता है। जिनको अवार्ड नहीं भी मिले कभी वो भी अपने अपने अवार्ड वापस करने शुरू कर देते हैं। अब तक तो ये पल रहे थे, पोसा जा रहा था, नर्चर कर रहे थे, पर इनके सामने, इस पूरे इकोसिस्टम के सामने दो बहुत बड़ी समस्याएं आ गई हैं। एक ऑफ कोर्स मोदी सरकार और दूसरी आप लोग सोशल मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो इनका कब्जा था, लेकिन जहां मेन स्ट्रीम मीडिया चुप रहता है वहां सोशल मीडिया बोलता है। आप किसी संसद सत्ता सरकार के मोहताज नहीं हैं। आप कहते हैं कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। इसलिए इनके सामने दो बड़ी समस्याएं हैं, इनको समझ नहीं आ रहा डील कैसे करें। अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, संसार भर से समाप्त हो चुके हैं, रशिया, कंबोडिया, चेकोस्लोवाकिया, चाइना में तो ये लोग कैपिटलिस्ट ही हो चुके हैं, हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सब जगह से समाप्त हो गए, 3 ही जगह रह गए हैं, केरला, मीडिया, JNU। एक धक्का और दो तो इसीलिए ब्रेक इंडिया फोर्सेस और हेट इंडिया फोर्सेस को हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूल ऑफ लॉ का पालन पूरा होगा पर इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज इनकी जो दीवार है कि आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी राष्ट्रभक्ति की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।